कतई यहाँ पर कोई लंबा भाषण नहीं देना चाहूंगी, बस मैं ये कहना चाहूंगी कि आज यहाँ इतनी संख्या में भारत की जनता को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले कुछ सालों से ऐसा लग रहा था कि हमारा भारत खो गया है और एक भयानक न्यू इंडिया छा गया है। आज ऐसा लग रहा है कि पुराना भारत अभी भी जिंदा है, ये गांधी जी का भारत है, ये भगत सिंह का भारत है, ये अशफाक उल्ला खान और रामप्रसाद बिस्मिल का भारत है। सन 1947 में हमने एक निर्णय लिया था, एक बहुत ही दुखद घटना के बाद। मोहम्मद अली जिन्ना नामक एक आदमी ने नागरिकता और धर्म का रिश्ता जोड़ के भारत के इतिहास में सबसे दुखद हमारा मौका एक लाया था हमारे बीच में, वो था विभाजन। आज ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन से नए जिन्ना प्रेमी इस देश में वापस आ गए हैं, जो जिन्ना का सपना भारत में कामिल करना चाहते हैं। वो एक विभाजन से खुश नहीं थे, उन्हें अब भारत में एक दूसरा विभाजन चाहिए। हम ये कभी नहीं होने देंगे दोस्तों। ये विरोध की रैली नहीं है, ये समर्थन की रैली है, ये हमारे संविधान और संवैधानिक मूल्यों के साथ समर्थन की रैली है, ये गांधी जी के भारत के लिए समर्थन की रैली है, ये हमारे आपसी भाईचारे में के लिए समर्थन की रैली है। इस देश में नागरिकता का आधार धर्म कभी नहीं था, कभी नहीं होगा। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इतने सारे लोग जुड़े हैं अलग अलग तबकों से, अलग अलग वर्ग से, हमारी अलग अलग पहचान है, लेकिन हम सब एक हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं। तो मेरी अपील है कि आप मेरे साथ कुछ नारे लगाएं। तो सबसे पहले तो एकता का नारा, आवाज दो, विरोध हमारा अधिकार है। इस देश को शांतिपूर्ण विरोध से आजादी मिली थी, शांतिपूर्ण तरीके से हल्ला बोल का नारा लगाते हुए, अरे बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल रे साथी हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, CAA पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, NRC पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, मैं भी बोलूं तू भी बोल, जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।